Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। हाल ही में FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पंजाब और हरियाणा में वॉचमैन की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसमें आपके जो हरियाणा में है उसमें 380 और पंजाब में आपकी 860 वैकेंसी निकली थी। तो जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है FCI वॉचमैन पंजाब एंड हरियाणा की में, तो आज हम उन कैंडिडेट्स की बात करने वाले हैं इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका रिटन एग्जाम होता है, जिसमें 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन जो है वो एक नंबर का होता है, यानी 120 सवाल आपके होते हैं 120 नंबर के, और इसमें आपको आंसर करने के लिए जो समय है वो दिया जाता है 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, तो इन्हीं सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सिलेबस पर चलते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आपके आते हैं, तो रीजनिंग का पहला टॉपिक है आपका अरेंजमेंट एंड पैटर्न। फिर आपका देखिए डायरेक्शन सेंस पर सवाल आते हैं, ब्लड रिलेशन एंड एनालॉजी आती है, वेन डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पजल्स आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के सवाल आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, ऑब्जर्वेशन आता है, विजुअल मेमोरी आता है और डिस्क्रिमिनेशन पर सवाल आते हैं। तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहां पर आपका क्वांट सेक्शन आ जाता है। तो क्वांट सेक्शन में देखिए आपके कौन कौन से टॉपिक यहां पर कवर होते हैं। तो क्वांट में देखिए आपका आता है टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एज एंड पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स आती है, सिंप्लीफिकेशन आता है, एवरेज एंड परसेंटेज पर क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पर क्वेश्चन आते हैं, इंटरेस्ट आता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम आता है, जो एजेस पर प्रॉब्लम होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। फिर आपके ग्राफ पर क्वेश्चन आते हैं, बार ग्राफ हो गया, पिक्टोरियल ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो सिंप्लीफिकेशन है, वो आपका यहाँ पर चेक किया जाता है। एरिया हो गया, एरिया पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके क्वांट सेक्शन के हो गए। फिर आता है जनरल इंग्लिश, तो इसमें देखिए आपकी बेसिक जो ग्रामर है वो पूछी जाती है। उसके बाद देखिए आपकी जो वोकैबुलरी है, जो वोकैब है, उस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आते हैं यहां पर आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं यहां पर आपके, और क्लोज टेस्ट के साथ साथ आपका आता है जंबल सेंटेंस। तो ये आपके सारे जो टॉपिक है वो आपके इंग्लिश में आते हैं। वर्ब्स हो गए, टेंसेस, नॉन फिनिटाइज पे पंक्चुएशन पर क्वेश्चन आते हैं, फ्रेजल वर्ब एक्सप्रेशन आते हैं आपके, एडजेक्टिव के जो यूज हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन हैं, डिटरमाइनर्स जो हैं, प्रोनाउंस के जो यूज हैं, ये सारे सवाल आपके इंग्लिश के सिलेबस में रहते हैं। फिर आपका आता है जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स। तो देखिए करेंट अफेयर्स तो बहुत ब्रॉड होता है, तो करेंट अफेयर्स देखिए आपका जो देश और दुनिया में हाल फिलहाल में चल रहा है, जो हुआ है, उस पर बेस्ड सवाल आपके आते हैं करेंट अफेयर्स में। जो नेशनल अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इन्वायरमेंट पर क्वेश्चन आते हैं, कैपिटल और करेंसी पर क्वेश्चन आते हैं, जो फेमस जगह जो फिलहाल न्यूज में है या कभी न्यूज में रही है उन पर सवाल आते हैं, जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, रेजिग्नेशन हुए हैं, उन पर सवाल आते हैं, स्पोर्ट्स में जो होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड्स होते हैं उन पर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए नेशनल जो फैक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, वो आपके पूछे जाते हैं। हेरिटेज एंड आर्ट्स पर क्वेश्चन आते हैं, डांस पर क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री हो गया, लैंग्वेज हो गया, फुल फॉर्म्स आपसे पूछे जाते हैं, एब्रीविएशंस आते हैं, डिस्कवरीज हो गई, डिजीज एंड न्यूट्रिशन पर क्वेश्चन आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स पर क्वेश्चन आते हैं, अवार्ड एंड ऑनर्स पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस और सीए के क्वेश्चन हो गए करेंट अफेयर्स के। तो करेंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस काफी ब्रॉड होता है, जो देश और दुनिया में चल रहा है उस पर आपको नजर रखनी होती है। तो ये था FCI वॉचमैन के रिक्रूटमेंट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो हमने सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो सिलेबस के, वो हमने यहाँ पर डिस्कस करने का कोशिश किया और आपको बताना चाहा कि क्या क्या आपसे FCI वॉचमैन के एग्जाम में पूछा सकता है। रिटन एग्जाम आपका 120 सवाल 120 नंबर का होता है, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, और जो मेन सब्जेक्ट है उनमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं वो हमने आपको इस वीडियो में बताया।
और जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, और मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं इस टेक्स्ट बुक पास में। इस एक पास के अंदर देखिए आपको मिलते हैं 420 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 27,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, और अभी देखिए चल रहा है प्री फेस्टिव धमाका, यानी आपको 299 रुपए में ये पास मिल रहा है, और आपको 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, यानी 299 रुपीज में आपको 12 महीने की जगह मिल रहा है 14 महीने का टेस्ट बुक पास। और अगर आप मेरा कूपन कोड YT5 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये था एफसीआई वॉचमैन के रिक्रूटमेंट का एग्जाम पैटर्न सिलेबस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।